अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बिल्डर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। तो दोस्तों, ये जो हमने 3 मरले का जो स्टार्ट किया था, 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया था, तो आज उसकी मैंने कुछ झलकियाँ बनाई हैं। ये पत्थर लगाया था, इसकी रगड़ाई मुकम्मल हो चुकी है। ये एक कमरा है और वो दूसरा कमरा था जो इससे पहले आपने देखा वीडियो में। तो ये मुकम्मल स्काटिंग, पत्थर की रगड़ाई, पॉलिश वगैरह मुकम्मल हो चुकी है और ये सीलिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों, दीवारों के ऊपर ये जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, तो ये दोस्तों सफ़ेद सीमेंट करवाया है हमने, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा पकड़ वाली चीज़ है और दीवार में सेम आने से भी तकरीबन बचा देता है। ये वो सीढ़ी है जो हमने बनाई थी, तो अब ये मुकम्मल हो चुकी है। कलर वगैरह, सीलिंग वगैरह, हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। तो आज हम इधर आए थे किचन में टाइल लगाने के लिए, तो अभी आपको किचन का विज़िट करवाते हैं। तो ये एक छोटा सा किचन बनाया था हमने, अब इसकी साइडों पे हमने स्काटिंग टाइप टाइल लगानी है। तो ये दोस्तों हमारा टीवी लॉन, गैराज दोनों मिक्स हैं। ये इसकी भी रगड़ाई मुकम्मल हो चुकी है। और ये वाशरूम है, ये वाशरूम भी कंप्लीट हो चुका था, जो जिसकी वीडियो मैंने पहले सेंड की थी। और ये गेस्ट रूम है जिसे बैठक बोलते हैं, तो ये भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये रगड़ाई होने के बाद, वाइट सीमेंट होने के बाद, दरवाज़े लगने के बाद, सीलिंग लगने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन का मकान बन चुका है। तो दोस्तों, ये 3 मरले में सारा कुछ बनाया था और तकरीबन इसको बनाने में हमारे 1 महीना लगा था लगातार। और ये अंदर बाहर से सारे विंडोज़, दरवाज़े, हर चीज़ पेंट हो चुकी है। तो हमने ये बाहर से भी प्लास्टर किया था, क्योंकि ये खुले इलाके में था, जिसकी वजह से इसको बारिश वगैरह ने तंग करना था, तो इसलिए हमने बाहर से भी इसको प्लास्टर किया।